नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह, स्वागत है आपका दिन तक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ई वे बिल कैसे भरते हैं। ई वे बिल भरने के लिए ये पोर्टल है जो हमने खोल दिया है। आप जो भी यूजर नेम पासवर्ड है आप उससे आप लॉगिन करेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद जनरेट के ऑप्शन पर है लेफ्ट साइड में, वहाँ पर क्लिक करेंगे। जनरेट के ऑप्शन पर यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट नंबर में यहाँ पर इन्वॉइस नंबर डालेंगे, जो भी आप चालान बना रहे हैं या इन्वॉइस नंबर के थ्रू आप ई वे बिल बना रहे हैं, जो भी है डॉक्यूमेंट नंबर में यहाँ पर चालान नंबर डालेंगे। हमने एक जो है इनवॉइस खोल रखा है जहाँ से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्टी का नेम आ जाता है, उस यहाँ पे एड्रेस जो भी है वो हो जाता है। वहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे, जिसको आप जिसके नाम पे ईमेल बना रहे हैं, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद ये सारे एड्रेस यहाँ पर आ गया। ये सारे एड्रेस आने के बाद देखिए यहाँ पर एक रेड कलर का यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट वगैरह दशमलव वगैरह कुछ यहाँ पर पॉइंट वगैरह हाइफन वगैरह दिया होगा उसमें, तो उसमें देखेंगे हाइफन हटा देंगे तो ये रेड कलर का जो आ रहा है नोट वैलिड वो यहाँ से हट जाएगा। जो भी एड्रेस है यहाँ पे पार्टी के अकॉर्डिंग, बिल के अकॉर्डिंग आपको इसमें डालना है, बिल टू शिफ्ट टू वगैरह ध्यान से देखना है। उसके बाद आइटम जो भी है वहाँ पे डालना है, जैसे मेरा आइटम ये है तो इस आइटम को हम कॉपी कर लेते हैं, इस वाले प्रोडक्ट नेम में डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ डाल देते हैं। एच एस एन कोड जो भी है यहाँ पे, एच एस एन कोड यहाँ पे हम ले लिया, उठा लिया एच एस एन कोड। क्वांटिटी जितने भी है यहाँ पे क्वांटिटी हमने उठा लिया है। जैसे जैसे कॉलम है उस वजह से आपको डिटेल भरना है, बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, अपने मन से जैसा जहाँ पे जो है वो है। यूनिट है, यूनिट हमारा ये केजी में है तो किलो कर लेंगे, आपका जो भी है यूनिट उसमें आप डाल सकते हैं, केजी में है। उसके बाद हम वैल्यू जो है यहाँ पे लेंगे टैक्स एवं वैल्यू से पहले, तो वैल्यू जो भी है यहाँ पे डालेंगे। और ये हमारा 18% टैक्स है, तो 18 आपका जो भी टैक्स है वो आप चूज करेंगे, 9% 18% या फिर जो भी है वो चूज करेंगे, 18% चूज करेंगे। हमने यहाँ पे कर दिया वहाँ पे, और उसके बाद जो है जीएसटी जो भी वैल्यू है आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हमने क्या क्या गाड़ी नंबर डालना होता है, गाड़ी नंबर जो है आपका यहाँ पे डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट आईडी है तो ट्रांसपोर्ट आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। गाड़ी नंबर डाल के हमने यहाँ पे ओके कर दिया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ईमेल बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट नंबर में इनवॉइस नंबर आ गया है, जो भी आप सेव करना है सेव कर सकते हैं, इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। पीडीएफ बनाना है, कहीं पर भेजना है, या किसी प्रिंट आउट लेना है, या कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ई वे बिल आप बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, आराम से आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने किया है। उस हिसाब से अगर आपको नहीं आता है ई वे बिल बनाना, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ओके टाटा बाबा, बंदे मातरम, हंसते मुस्कुराते, अपना ध्यान रखिए, खास बात अपनों का ध्यान रखिए। ओके बाबा, टेक केयर, लव यू ऑल।